लोकसभा चुनाव की तैयारी हमारी पार्टी की ओर से चल रही है सभी जगह। बिहार में जब हम लोग पार्टी बना रहे थे उस वक्त यही हमने कहा था और लगातार हम लोग बोल रहे हैं, नीतीश जी फिर से इस बात की कोशिश में लग गए हैं कि 2005 के पहले बिहार की जो स्थिति थी उसी स्थिति में बिहार पहुंच जाए, उन्हीं हाथों में बिहार को सौंपने पर नीतीश जी आपदा है, जिन हाथों ने बिहार को बर्बाद कर दिया था। नीतीश जी के इस प्रयास को रोकने के लिए जो भी ताकत बिहार में काम कर रही है उनके साथ हमारी राजनीतिक दोस्ती हो सकती है और उनके साथ मिलकर ही हम लोकसभा का चुनाव लड़ें। अब सीधे पूछिएगा कि पार्टी किसके साथ गठबंधन हमारा होगा, तो अभी पार्टी ने तय नहीं किया है, अंतिम रूप से तय करेंगे फिर हम आपको। क्या सर भविष्य क्या है, बता तो दिए आपको, जो ताकत फिर से बिहार को 2005 की स्थिति में नहीं लौटने देने के लिए प्रयास में है वैसी ताकतों से हमारी दोस्ती होगी राजनीतिक रूप से। नीतीश जी तो सर पीएम मटेरियल है, वो विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए पूरे देश में घूम रहे हैं, देश भर में घूम रहे हैं और अपना आधार ही उनका खोखला हो गया। जनता दल यूनाइटेड जो उनकी पार्टी है उस पार्टी को स्वयं नीतीश जी ने बर्बाद कर दिया। अब बर्बाद पार्टी का कोई नेता देश भर में कुछ भी कोशिश करे उसका क्या अर्थ है। एक अवसर नीतीश जी के लिए था जेडीयू को मजबूत करते और तब ऐसी कोशिश करते तो उसका कुछ अर्थ निकल सकता था, लेकिन इस अवसर को उन्होंने स्वयं ही गंवा दिया है। अब अपनी ही धरातल उनकी खिसक गई है, उस परिस्थिति में उनकी कोशिश का कोई मतलब ही नहीं। जी सर लोकसभा से शिफ्ट के लिए बांका लोकसभा से किनको सर टिकट देंगे इस बार? अरे अभी टिकट का बंटवारा थोड़े हो रहा है कि या हिमांशु जी को मिलेगा क्या? अभी कोई टिकट का टिकट बंटवारे का समय नहीं आया है ना, जब टिकट बंटवारा की बात होगी उस समय पूछिए।